जंगल में एक पुराना बरगद का पेड़ था। इस बरगद पर चिल्लू उल्लू का घर था। पेड़ के नीचे जंकू हाथी भी रहता था। दोनों के बीच इसी कारण से अच्छी दोस्ती हो गई थी। जंकू दिन भर जंगल में उधम करता, गन्ने खाता और सूंड भर भर कर नहाता। चिल्लू भी दिन भर सोता रहता। रात को जब जंकू हाथी पेड़ के नीचे लौटता तो इन दोनों दोस्तों के बीच अच्छी बातचीत होती। एक शाम जंकू हाथी घूमता घूमता आ रहा था कि एक जगह उसे कुछ भूत गपशप करते हुए दिखाई दिए। वे लोगों को डराने के लिए डरावनी योजनाएं बना रहे थे। तभी भूतों के सरदार की नजर जंकू हाथी पर पड़ी। वह चिल्ला रहा था, वह रहा, पकड़ो उसे। कुछ भूत जंकू को पकड़ने के दौड़े और कुछ ने पूछा, सरदार यह कौन है? भूतों का सरदार बोला, गई रात मैंने एक सपना देखा कि मैंने एक हाथी को पूरा खा लिया। यह हाथी बिल्कुल मेरे सपने के हाथी से मिलता जुलता है। आज मुझे यकीन हो गया कि सपने सच होते हैं और आज मैं अपने सपने की बात पूरी करूंगा। भूतों ने हाथी को पकड़ लिया। जंकू हाथी का पाला भूतों से पहली बार पड़ा था, इसलिए वह बहुत डर गया और कुछ नहीं कर पाया। हाथी ने जब देखा कि भूतों का सरदार और उसकी पत्नी उसे खाने के लिए उसकी तरफ आ रहे हैं तो उसके हाथ पैर फूलने लगे। तभी हाथी का मित्र चिल्लू चिल्लाता हुआ आ पहुंचा, यही है, यही है, अरे बिल्कुल यही है, और आकर अपने मित्र हाथी के सिर पर बैठ गया। चिल्लू की चेतावनी सुनकर भूतों का सरदार ठिठक गया। भूतों के सरदार ने पूछा, अरे उल्लू तुम किसके बारे में कह रहे हो और क्या कहना चाहते हो? उल्लू बोला, मैं भूतों की रानी के बारे में कह रहा हूँ। कल रात मैंने सपने में देखा कि एक भूतों की रानी से मेरी शादी हो गई है और आपकी ये रानी मेरे सपनों की रानी से बिल्कुल मिलती जुलती है, इसलिए अब मैं इससे विवाह करके अपने सपने पूरा करूंगा। भूतों की रानी ने जैसे ही यह सुना वह जोर से चिल्लाई, मैं किसी उल्लू से शादी नहीं करूंगी। सरदार बोला, घबराओ मत रानी, यह तो उल्लू है और उल्लू जैसी बात करता है। सपने भी कभी सच होते हैं। देखो मैंने सपने में देखा था कि मैंने एक हाथी को खा लिया था, पर अब मैं इसे जाने दे रहा हूँ। इतना सुनना था कि जंकू हाथी भाग निकला और फिर चिल्लू ने भूतों के सरदार से कहा, चलो तुम्हारा सपना सच नहीं है, इसका मतलब कि मेरा भी सपना सच नहीं है। ऐसे सपने को भूल जाना ही अच्छा है। सरदार बोला, तुम दिखते उल्लू हो पर बातें समझदारी की करते हो। उल्लू, ठीक है तो चलो मैं चलता हूँ। चिल्लू उड़कर बरगद के नीचे पहुंचा। यहाँ पहुंचकर चिल्लू खूब हंसा। आखिर आज उन्होंने भूतों को बेवकूफ बना ही दिया था। हाथी ने जान बचाने के लिए अपने मित्र का शुक्रिया किया। इस पर चिल्लू बोला, मित्रता में शुक्रिया की जरूरत नहीं होती मेरे दोस्त। हाथी बोला, तुम मेरे सच्चे साथी हो। उल्लू इस पर मुस्कुराया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा हमारे सच्चे दोस्त का साथ देना चाहिए। बाय बाय दोस्तों।